दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया है या रजिस्ट्रेशन किया है और आपको काफ़ी समय हो गया है, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट आ रहा है और पेंडिंग फोर आपका स्टेट लेवल पर है तो कितने दिन में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और आपका पेंडिंग फोर डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो आपका फॉर्म कितने दिन में वेरीफाई होगा या नहीं होगा और आपको क्या करना होगा, आपको सत्यापन कहाँ से कराना होगा कि फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको करंट का स्टेटस चेक कर लेना, पीएम किसान पोर्टल पे हम जाएंगे और पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में हम यहाँ से अपना स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है या अप्रूवल हो गया है। तो उसके लिए दोस्तों आपको नीचे आ जाना, स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी, तो सिंपली इस पर ओके कर देंगे और जैसे दोस्तों आपने ओके करेंगे वैसे आपको दोस्तों यहाँ से आधार कार्ड नंबर कैप्चा और ओके मिलेगा। अब दोस्तों, जिस किसान भाई का आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया है या घर परिवार में किसी का भी किया है तो उनका आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे या उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको ये कैप्चा मिल जाएगा, वो कैप्चा आपको यहां से फिल कर देना है, उसके बाद में सर्च पे ओके करेंगे। अब जैसे आप सर्च पे ओके करेंगे वैसे आपका जो फॉर्म हुआ वो लॉग इन हो जाएगा। फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपको यहां से स्टेटस पता जाएगा, आपको फार्मर नेम यहां से मिल जाएगा। आपको दोस्तों यह फॉर्म एक चंद्रकांत जी का है और उनका हमने स्टेटस को चेक किया है और स्टेटस में हम जब चेक करते हैं तो उनका जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट है वो काफ़ी दिन पुराना है, मतलब 15/11/2021 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद में इनका फॉर्म पेंडिंग में चलता रहा है और उसके बाद में इन्हें अप्रूवल नहीं मिला है और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इनके खाते तक नहीं पहुँच पाया। अब दोस्तों बात करें 2021 के जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए हैं या 2022 में किया आपने, 2020 में किए हैं, उन्हें अप्रूवल क्यों नहीं मिला है और 2023 में जो फॉर्म हो रहे हैं ऑनलाइन और उन्हें अप्रूवल मिल रहा है और उनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गया है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता हो कि हमने 2021 में रजिस्ट्रेशन किया है बट हमारा फॉर्म अभी तक स्टेट लेवल पर वेरीफाई चल रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई चल रहा है और हमारा फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, अभी अप्रूवल क्यों नहीं मिला, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से देख लेना है कि रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको कुछ मिल रहा है। जैसे रीजन फॉर रिजेक्शन में आपका फॉर्म वैलिड आ रहा है, ओके आ रहा है या अप्रूवल आ रहा है या वैलिड आ रहा है या एलिजिबिलिटी आ रहा है तो मतलब आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन का वेट करें। यदि रीजन फॉर रिजेक्शन में आपका फॉर्म जैसे रिजेक्ट हो जाता है, लैंड सीटिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है या लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल लिख के आता है और भी किसी प्रकार का एरर आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और रिजेक्ट होने के बाद में आपको यहां भी स्टेटस शो हो जाता है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहां से शो हो जाएगा तो इस प्रकार का मैसेज आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यदि आपका इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं आता है, ओनली आपका मैसेज आता है जैसे आपको यहाँ से रीजन फॉर रिजेक्शन मिल जाता है, आपको यह कॉलम खाली मिलता है, ब्लैंक मिलता है और उसके बाद में आप जहाँ से देखते हैं कि स्टेटस वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहा है तो मतलब इसका होता है दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से तो वेरीफाई हो गया है, आपका जो फॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाई होने को रह गया है, स्टेट गवर्नमेंट से आपका डॉक्यूमेंट की जाँच होने को रह गई है, इसलिए आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में आपका फॉर्म एंडिंग में चल रहा है। जब दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉर्म पहुंच जाता है तो आपका फॉर्म एक मंथ से दो मंथ भी लग सकते हैं, आपका फॉर्म को 20 दिन भी लग सकते हैं और किसी किसी किसान भाई को फॉर्म को 5 मंथ भी लग सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, पीएम किसान पोर्टल पर हैवी ट्रैफिक चलता रहता है, ज़्यादा ही फॉर्म भरते रहते हैं, उसके वजह से पीएम किसान सम्मान निधि का जो जिस किसान भाई का फॉर्म डला है उनका सत्यापन होने में कुछ समय लगता है, इसलिए कुछ किसान भाई को यहाँ से वेट कर लेना है कि हमारा फॉर्म जब ऑनलाइन हो गया है, वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट से हो गया, पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल पे आ रहा है तो कुछ दिन का वेट करें, उसके बाद में आपका फॉर्म भी अप्रूवल हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जहां वेरीफाई नहीं आता है, वेरीफाई की जगह आपको पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट आता है और दोस्तों पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट में संपर्क कर लेना है, जो तहसील होता है तहसील में जाना है और वहां अपना आधार कार्ड, बैंक किताब और खतौनी ले जाना है, वहां से अपना जो फॉर्म का होता है वहां से सत्यापन करा लेना, फॉर्म की जाँच करा लेना, वहां से आपका लैंड सीटिंग सत्यापन हो जाएगा तो आपका वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा। जब वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है तो दोस्तों कुछ दिन का
अपडेट करें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा। दोस्तों यदि आपका यहाँ से वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉर्म पहुँच जाता है तो दोस्तों आपको कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए, आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाएगा। यदि दोस्तों आप कोई कंप्लेंट डालते हैं, कंप्लेंट का जो भी इंतजार होता है दोस्तों, एक मंथ या दो मंथ लग जाते हैं कंप्लेंट डालने में भी, उसके बाद में आपको आंसर पता चलता है कि फॉर्म आपका सत्यापन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जो कंप्लेंट का होता है वो दो मंथ के बीच में आपको पता चलता है कि आपका कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाता है या आपका कंप्लेंट सक्सेस हो जाता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका कंप्लेंट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है या आपका केस क्लोज कर दिया गया है। तो इसलिए आप कुछ दिन का वेट करें और कुछ दिन का वेट करने के बाद में आपका फॉर्म ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद में और जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जब से आपने जैसे जिन किसान भाइयों ने जब से रजिस्ट्रेशन किया है उस समय से जो भी किस्तें बनती हैं वो किस्तें सभी किस्त उनके खाते तक पहुंच पाएंगी। दोस्तों अगर आपको वहां जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।